हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ ग्रामर सेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, टेंस। ओके गाइस, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, टेंस पढ़े होंगे, लेकिन गाइस आज जो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। और गाइस यकीन मानिए कि ये टेंस आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इसलिए गाइस आपको क्या करना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे कि आप मेरे द्वारा जो न्यू तरीके से जो मैं आपको टेंस बताऊंगा वो आप अच्छे से सीख सके, समझ सके। ओके, तो चलिए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं टेंस। तो गाइज देखिए, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे लेके चलूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि टेंस इतने प्रकार का होता है, इसमें ये होता है दिस दैट। डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, सीधा आपको पॉइंट पे चलना है, टॉपिक पे चलना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। इसलिए गाइज डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट पे लेके चलता हूँ। ये बिहार बोर्ड क्लास 12th की जो बुक है रेनबो का, वो मैं साथ ही साथ पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ ग्रामर का भी जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स हैं ग्रामर सेक्शन का, वो भी मैं आपको कराते जाऊँगा। इवन गाइज अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काम करेगा, चाहे आप CBSE स्कूल के हों या फिर ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हों, उसके लिए तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि CBSE वाले का क्या होता है गाइस कि ग्रामर उनका वीक होता है। इसलिए आप यहाँ से इसको वॉच करें, आप अच्छे से टेंस सीख जाएंगे। तो गाइस टेंस में हम लोग पहले टेंस को सीखेंगे और टेंस को मैं अलग तरीके से बताऊँगा, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो गाइस दूसरा नाम है वो है सिंपल प्रेजेंट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं या फिर आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आईडी की बात करेंगे, इसके रिकॉग्नाइज की बात करेंगे, इसके पहचान की बात करेंगे, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखिए गाइस, रिकॉग्नाइज मैं यहाँ पर लिखते भी जाऊँगा गाइस, जिससे कि आप कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो रिकॉग्नाइज होता है वो होता है ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तीहूं, ते हो। ये इसका क्या है गाइस, रिकॉग्नाइज है, आईडी है, पहचान है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या देखना है कि अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए गाइज यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा चौंक गए होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे क्या सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वहाँ पे आप लोग बाद में जाके फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैं जो भी तरीका बताऊँगा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा टेंस, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला तो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है गाइज ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट हमेशा गाइस, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस क्यों ना हो, नोट हमेशा लगता है थर्ड नंबर पे, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे। और इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आई होप कि आपको आईडी और स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए गाइस यहाँ पे दो चीज़ इसमें नया चीज़ आया है, एक तो आया है एस या ईएस और दूसरा आया है डू या डज। तो डू डज दोनों में कोई एक ही लगाना है, एस या यस में भी कोई एक ही लगाना है। तो कैसे पहचानेंगे कि कब एस या यस लगेगा, कब नहीं लगेगा, और लगेगा तो कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो देखिए पहले लिख देते हैं क्या, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही सी नेम इट, ही सी नेम इट हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या यस लगेगा, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज लगाने की अगर बात होगा तब उसमें लगेगा डज। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर सब्जेक्ट ही सी नेम इट हो तो अफर्मेटिव में एस या यस लगेगा, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज में डज लगेगा। क्लियर हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो एस या यस नहीं लगेगा, क्रॉस का मतलब नहीं लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे आता है तो भर में एस या यस कुछ नहीं लगेगा। क्लियर हो गया।
और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज लगाने की बात होगी तो जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो क्या लगेगा, डू लगेगा। अब देखिए एस एस कब लगता है, डू डज कब लगता है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए गाइज हमको ये क्लियर करना है अफर्मेटिव वाले के लिए, क्या ही सी इट ने में अगर रहेगा तो वर्ब में एस या यस तो लगेगा, ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन हमें तो कोई एक ही लगाना पड़ेगा ना, या तो एस लगाना पड़ेगा या तो ई एस लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइज मैं एक आपको एक फिगर में बता रहा हूँ एक स्टार के माध्यम से। देखिए ये जो स्टार है सर्किल वाला, उसमें क्या लिखा है, बीच में मैंने लिखा एस ऑब्लिक ई एस, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसको गाइज क्या आप लोग षष्ठभुज भी नाम दे सकते हैं छः साइड में, ठीक है। तो इसमें देखिए जिस वर्ब के लास्ट में क्या रखना है, जिस वर्ब के लास्ट में अगर ओ एस एस एच सी एच X, Z, इसमें से इस सिक्स लेटर में से कोई लेटर हो, इस सिक्स लेटर्स में से कोई भी लेटर हो तब उसमें लगेगा ई एस, बाकी सभी में लगेगा S। ई एस में देखिए टिक किया हुआ, इसका मतलब क्या है, इसमें ई एस लगेगा बाकी सब में S लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर इसमें से कहीं मैच करे, S हो एस एच हो सी एच हो जेड हो एक्स हो और इस तरह से ओ हो, इस तरह से अगर कोई लेटर मिले वर्ब का लास्ट लेटर में तब उसमें ई एस लगाएंगे, अदरवाइज सब में एस लगाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो देखिए करना क्या है, एग्जांपल पहले देते हैं फिर आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको दूंगा। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं दो चार, जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका है गाइस क्या, सबसे पहले इसको पहचानना है, आईडी देखना है। तो देखिए लास्ट में वह पढ़ती यानी ती है आ रहा है लास्ट में, ती है, इसका मतलब ता है ती है ते है, किसका आईडी होता है गाइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये तो क्लियर हो गया कि ये जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्लियर हो गया। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या है, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो देखिए गाइस जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको कहते हैं अफर्मेटिव, जिसमें नहीं लिखा रहेगा नोट वाले जो सेंटेंस होगा उसको कहते हैं निगेटिव, और जो क्या से शुरू हो और जिसमें क्वेश्चन मार्क लिखा हो उसको कहेंगे क्या, इंट्रोगेटिव। क्या की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों कब कैसे कुछ भी रह सकता है, यानी आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखना है, वो रहेगा तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और जिसमें क्या और नहीं नहीं लिखा हो उसको कह देंगे अफर्मेटिव नॉर्मल वाला, क्लियर हो गया। तो वह पढ़ती है तो क्या बनाएंगे, ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तब देखिए इसका अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ गाइस, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, वह का लिखेंगे सी, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या होता है, तो जिसके लास्ट में ना आता है उसको वर्ब कहते हैं, जैसे पढ़ना रोना धोना हंसना खाना पीना चलना दौड़ना कूदना, ये सब क्या है, सब में ना आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है, तो ना वाले जो वर्ड होते हैं उसको वर्ब कहते हैं। तो देखिए पढ़ती यानी पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, तो रीड लिख देंगे सी रीड, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एस या ई एस, एस या ई एस लगाने की जैसे ही बात आएगी तो हमें रुकना है और रुक करके सब्जेक्ट को देखना है, अगर सब्जेक्ट ही सी नेम इट हो तो एस या ई एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो नहीं लगेगा। तो देखिए सी है इसका मतलब एस या ई एस लगेगा, ये तो कन्फर्म हो गया कि एस या ई एस लगेगा। अब हमें कंफर्म करना है कि सिर्फ एस लगेगा या फिर सिर्फ ई एस लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सर्कल को देखना, जो सर्कल मैंने आपको बताया है। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, रीड में डी आ रहा है, तो सर्कल में कहीं मिल रहा है लेटर, डी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एस लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, एस लगेगा, तो एस लगा देंगे, सी रीड्स वह पढ़ती है। निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सी, और सी के साथ क्या लगता है, डू डज में डज लगता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्या होगा, सी डज नॉट रीड, इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्मूला में ही मैंने आपको सिर्फ वर्ब लिखा है। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज सी रीड क्वेश्चन मार्क डाल देना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया गाइस। अब चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो देखिए मैं पढ़ता हूँ ताहूँ आ गया, यानी ता है ती है ते हैं ताहूँ ती हूँ ते हैं, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये तो क्लियर हो गया, और ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का क्या होता है फॉर्मूला गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। तो देखिए मैं का होगा आई,
पढ़ना का अंग्रेजी होगा रीड, तो आई रीड, यहाँ तक क्लियर हो गया। एस या ई एस, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो एस या ई एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो एस या ई एस नहीं लगेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, आप चाहें तो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, आई, आई के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, तो इसमें नहीं लगाना यस या फिर ई एस, कुछ भी नहीं लगाना है। तो क्या होगा, आई रीड, यहीं तक काम खत्म। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, निगेटिव बनाना क्या लिखेंगे, आई डू नॉट रीड। इंट्रोगेटिव बनाना तो डू आई रीड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्लियर हो गया गाइस। अब देखिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, तो यह अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव क्योंकि ताहते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो देखिए अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। तो लिखेंगे ही, पढ़ाना का होता है टीच, ही टीच। अब एस या ई एस लगाने की जैसे ही बात आएगी तो हम वहाँ पे रुक करके सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट ही सीट नेम है तो लगेगा, एस या ई एस लगेगा, तो ही है तो लगेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, उसको कन्फर्म करना है। पहले तो हमें ये देखना है कि एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तब फिर आगे देखना, और नहीं लगेगा तो बात खत्म है। तो यहाँ तो लगेगा, ही है तो लगेगा, अब हमें कन्फर्म करना कि लगे एस लगेगा कि सिर्फ ई एस लगेगा। तो उसके लिए हमें उस सर्कल वाले जो स्ट्रक्चर है उसको देखना है कि अगर लास्ट में एस एच सी एच जेड एक्स ओ हो तब उसमें ई एस लगेगा। तो टीच में देखिए सी एच आ रहा लास्ट में, इसका मतलब है इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो लगा देंगे ई एस, तो लिखेंगे ही टीचेस, ही टीचेस, वह पढ़ाता है। निगेटिव बनाएंगे क्या लिखेंगे, ही डज नॉट टीच। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे डज ही टीच, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाएंगे। गाइस जिस वर्ब में एस या एस लगा रहता है उस वर्ब को कहते हैं वी फाइव, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर हो गया। तो देखिए फिफ्थ फॉर्म लगाने में आप लोग क्या कंफ्यूज कर जाते थे, इसलिए मैंने आपको इतना बेहतरीन तरीका बताया है। इसको अगर आप कॉपी में नोट करके दो तीन बार प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए गाइस आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको टेंस से रिलेटेड मिलता रहेगा। टेंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा, जितना भी 12 टेंसेज हैं उस सभी को डे बाय डे मैं आपको एक एक टेंस अवेलेबल कराऊंगा, और उसको इजी तरीके से आसान शब्दों में ऐसा बताऊंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया, अब बारी है आपके होमवर्क की, आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, इसको आपको क्या करना है, अभी जो मैं होमवर्क दूंगा पहले उसको देखिए, तो आपका प्रैक्टिस के लिए होमवर्क रहा ये। क्लियर है। ये गाइज मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज लिखा हूँ, इसको आपको करना क्या है कि जैसा सेंटेंस वैसा ही बनाना है, एक का तीन आपको नहीं बनाना, एक का एक ही बनाना है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको अफर्मेटिव में ही बना देना है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो आपको निगेटिव में ही बना देना है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आपको इंट्रोगेटिव में ही बना देना है। क्लियर हो गया। इसको आपको क्या करना, बना करके सॉल्व करके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना है। मैं यहाँ आपको चेक करके, अगर आपका सही होगा तो मैं आपको यहाँ पर हार्ट दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, अगर कोई मिस्टेक होगा तो मैं वहां पे आपको करेक्ट कर दूंगा। ओके, और इससे जो भी हार्डवर्ड रिलेटेड है वो भी मैं आपको लिख दिया हूं, जिससे कि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं हो। क्लियर है। अब देखिए गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आप तो छोटा सेंटेंस बता दिए, अगर बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, मैं इसके लिए एक एग्जांपल पहले करवा देता हूँ जिससे कि आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसी में से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्या लिखा हुआ है कि वह रोज पैदल स्कूल जाती है, इसको कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए वह रोज पैदल स्कूल जाती है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करना इस आईडी को पहचानना है, इसके टेंस को पहचानना। तो ती है आ गया, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, बस उसी पे काम करना है। तो लिखे वह का लिखेंगे सी, उसके वर्ब लिखना जाती यानी जाना, जाना का गो। अब देखिए सी है तो जब सब्जेक्ट ही सीट नेम रहेगा तो एस एस लगेगा, तो सी है तो लगेगा। अब कंफर्म करना कि सिर्फ एस लगेगा कि ई एस लगेगा, तो गो में ओ आ रहा है जो कि सर्कल में था ओ, तो इसका मतलब इसमें ई एस लगेगा, तो ई एस लगा देंगे, तो लिखेंगे सी गोज, सी गोज। क्लियर हो गया। अब देखिए गाइस अब इसमें बहुत सारा रोज पैदल स्कूल, अब आप कंफ्यूज होते हैं कि पहले रोज का इंग्लिश लिखें या पैदल का लिखें या फिर स्कूल का लिखें, तो आपके कंफ्यूजन को मैं आपको 100% क्लियर करता हूँ। आपको करना क्या है
कि जिस जिस वर्ड का काम आप कर चुके हैं, यानी सी का अंग्रेजी लिख सके, मैंने वह का अंग्रेजी, सॉरी क्या है, हाँ वह का अंग्रेजी आप लिख चुके हैं, तो वह को आप साइड कर दीजिएगा। उसके जाती है का अंग्रेजी जाना, यानी उसका भी आप काम कर चुके हैं, उसको भी आपको साइड कर देना है। क्लियर हो गया? जिसका जिसका काम कर दिए उसको आपको क्या करना, सर्कल करके साइड कर देना है। मान लेते मन में सर्कल कर देना है, उसको साइड कर देना है। अब बचेगा जो, उसको देखना अब क्या बचा है, रोज पैदल स्कूल, ये बचा है। अब जो बचेगा, जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड बचेगा उसको क्या करना, बैक गियर लगाना है, यानी क्या उल्टा चलना, पीछे से चलना। जैसे कि यहाँ देखिए, उल्टा चलना है पीछे से और उसका अंग्रेजी लिखते चले जाना है, बात खत्म। तो पहले देखिए पीछे से चलेंगे, क्या होगा, स्कूल, तो गोज टू स्कूल। उसके बाद क्या, पैदल, पैदल का अंग्रेजी होता है ऑन फुट, तो ऑन फुट लिख देंगे। उसके बाद है रोज, रोज का अंग्रेजी होता है एवरीडे, चाहे तो आप डेली भी लिख सकते हैं, तो एवरीडे लिख देंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, सी गोज टू स्कूल ऑन फुट एवरीडे। इसका मतलब हुआ कि वह रोज पैदल स्कूल जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा सेंटेंस भी आप आराम से बना सकते हैं। पहले आपको करना क्या, सब्जेक्ट वर्ब एस या एस यहाँ तक कम कर लेना टेंस में। उसके बाद जो बचेगा उसको बैक गियर लगा देना है, पीछे से चलना है, उसका अंग्रेजी लिखते चले जाना है। क्लियर हो गया गाइज? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, ऐसे ही अमेजिंग टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से जो भी टेंस है जो, वो सभी को सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो टेंस का मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।